सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। दर्जनों शिकायती पत्र देने के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दर्जनों शिकायती पत्र देने के बाद भी अब तक शासन और प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोई है। दरअसल मामला हल्दी थाना अंतर्गत बहादुरपुर ग्राम सभा में ग्राम सभा के पोखरे व पनबह पर भू माफियाओं का कब्जा है। ग्रामीणों की माने तो यह मुगलों के जमाने का है। कई गांवों के लोग यहां पूजा पाठ करते रहे हैं। यहां तमाम सांस्कृतिक व मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। वर्तमान समय में भू माफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। इसके लिए दर्जनों बार अधिकारियों को पत्रक दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया 2008 से ही इसे अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। अजय कुमार चौधरी, प्रधान बहादुरपुर विकास खंड बेलहारी। प्रधान जी, कुछ शिकायतें मिली थी आप ग्राम सभा में, विकास कार्यों में अवरोध पैदा हो रहा है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण किए हैं जमीनों, कुछ सभी गाँव विकास नहीं हो पा रहे हैं। ये देखा गया डीएम कार्यालय में कई बार आपके गाँव के लोगों ने कुछ शिकायत पत्र दिया था, क्या है मामला, कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, अतिक्रमण तालाब का हुआ है। तो तालाब तो हमारा बहुत पहले का है। लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं कि वो मुगल जमाने का है, कोई कहता है कि 100 बरस पहले का है, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि उस पोखरे से हम लोगों के घर दाल बनती थी, हम लोग नहाते थे। आज वो पोखरा का बहुत बुरा हाल हो गया है, और ये योगी जी का, मोदी जी का एक ये अमृत सरोवर वाला जब चला, तो चूंकि हमारे पोखरे का रकबा बहुत ज़्यादा है, 10 बीघा से अधिक का है वो, उसका भी उसमें चयन हुआ, लेकिन वीडियो वीडियो साहब आए देखे तो अतिक्रमण के चलते वो अमृत सरोवर में चयन नहीं हो पाए, जिसपे और गांव के लोग असंतुष्ट हुए थे और कंप्लेन वम्प्लेन किए। तो मानते हैं अतिक्रमण हुआ है? हाँ, अतिक्रमण तो हुआ है, अतिक्रमण में कोई शक नहीं है। ये गांव के लोगों को जो शिकायती पत्र विद्युत पत्र में कहा जा रहा है, कई बार एप्लीकेशन दी गई, कई बार मुख्यमंत्री के आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ये तो एप्लीकेशन 2019 से ही चल रहा है, चूंकि एक रास्ते का विवाद था, उसमें वो कंप्लेन पड़ गया भीटा को लेकर के, और उसी समय से ये चल रहा है। पिछले साल छठ के समय में हम वहाँ साफ कराने लगे तो वहाँ बसे लोगों ने मना कर दिया, तो जिससे आक्रोशित जनता जा कर के, तो बवाल ववाल बच गया, नहीं तो बवाल भी हो गया होता, लेकिन सूझबूझ से काम लिया गया, कंप्लेन हुआ और उसी समय से अपना चल रहा है। देखिए, हमारा मानसिकता पूछिए तो, मैंने पोखरा के संबंध में तो भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, पोखरा तो रहना ही चाहिए। हाँ, जहाँ तक भीटा होता रास्ता वास्ता का जो है, उसको सामंजस्य बना करके वहाँ बसे लोगों द्वारा के साथ मिलजुल के रास्ता निकल जाए, भीटा भी बन जाए, हमारा पोखरा भी बच जाए। और चूंकि रिहायशी मकान लोग बना लिए हैं, वो टूटेगा तो बहुत नुकसान होगा। हम यही चाहते हैं कि तालमेल बना के वो भी रह जाए, हमारा पोखरा भी रह जाए और गांव का विकास हो। राम जी तिवारी। किस गांव के रहने वाले हैं? बहादुरपुर जी। आपकी तरफ कोई शिकायत पत्र दी गई थी डीएम कार्यालय को? जी। क्या था वो शिकायत पत्र, क्या है मामला? मामला यही है कि पोखरा है, सामाजिक स्थल है। हाँ, हाँ, वहाँ कोई भी सरकारी कार्य होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, देवी देवताओं का मंदिर है, वहाँ आने जाने का रास्ता होना चाहिए, सामाजिक कार्य होना चाहिए वहाँ। साधन आज के ज़माने में साधन सुविधा अगर जो नहीं रहेगा तो कोई कोई कहाँ से वहाँ जा सकता है? कितनी जमीन अतिक्रमण है आपके गाँव में? टोटल अतिक्रमण में वो पानी छोड़ करके और चल करके मौके का परीक्षा किया जाए। कितनी बार कितने साल आवेदन दे रहे हैं आप? 5-6 साल। कहाँ कहाँ आवेदन दिया? बस एक जगह जिलाधिकारी के पास, मेरे नाम गया है, हो गया है, और इंक्वायरी जब जब देखभाल आया है तब तक उनको बुलाया गया है, और मैं जवाब बनाता था कि भाई इसकी नापी कराई थी, इसकी बात
क्या हो रहा है मुझे जानकारी, लोगों के कहने से ये पता चलता है, लोगों को कहने से पता चलता है कि नोटिस कराने के लिए क्या होगा कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी 5 साल से आप लगातार एप्लीकेशन देकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो, खाली कराई जाए, मतलब विकास कार्यों में बाधा हो रहा है।